ग्रहों के विषय में बताते हुए लगभग पूरे ग्रह हो गए, ग्रह पर्वत के बारे में बताया गया। यदि एक जीवन रेखा है तो यहां से यहां तक गुरु स्थान है, सबसे बड़ा ग्रह है, और यहां ये हृदय रेखा यहां से चलती है तो यहां तक दिस इज कॉल्ड जुपिटर एंड दिस इज कॉल्ड सैटर्न एंड दिस इज कॉल्ड सन माउंट एंड दिस इज मर्क्यूरी। गुरु, शनि, सूर्य, बुध, बीच से बुद्धि रेखा कहती है, ये भाग है कुछ स्थान। इनको तीनों भागों में बांटा गया, आप लोगों को बताया गया कि पहला कुछ है, ये दूसरा कुछ है, ये तीसरा कुछ है। इस अंगुली को यहां मोड़कर, यहां यानी दूसरी संधि रेखा पर मोड़कर बीच हथेली में डालने से जहां ये स्थान आता है ये राहु का स्थान है। मतांतर से कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं, राहु है। और जीवन रेखा के अंगूठी की वो जो है दिस इज वीनस, शुक्र पर्वत, और ये चंद्र पर्वत है, ये मून, जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, मार्स, मंगल स्थान, वीनस एंड मून। ये अंगुली को बीच संधि जो दूसरी संधि रेखा है वहां मोड़कर यहां डालने से बीच हथेली में सकून सुलभ रूप से बीच हथेली में डाल देंगे, ये अंगुली जहां आती है यहां पर राहु का स्थान है। और जीवन का प्रधान लक्ष्य है केतु, इस कारण ये स्थान है केतु का। अब हमारे ये पूरे ग्रह हो गए, अब बचे केवल राहु और केतु। ये छाया ग्रह कहलाए जाते हैं, ये और इसके बारे में तो अधिक नहीं बता सकते हैं। इसको ड्रैगन्स हेड बोलते हैं, केतु को ड्रैगन्स टेल। ये राहु है, ये केतु है। एक बार बड़ी सूक्ष्म से यानी काफी गौर से देखिए उनके कार्य क्या क्या है। बस एक एक ग्रह के नाम लेते ही, एक एक ग्रह का नाम लिया कि उसके प्रधान कारक हमारी दृष्टि में आने की आवश्यकता है। और देखिएगा, गुरु के नाम लेते ही भक्ति, अधिकार, आत्मविश्वास आ गया। शनि का नाम लेते ही आयु और धन, सूर्य का नाम लेते ही कीर्ति, प्रतिष्ठा, अधिकार, पदवी, नौकरी, और इसको ले लेंगे व्यापार, शोधकार, बहुभाषा ज्ञान, समय स्फूर्ति। कुछ के बारे में देखेंगे अनुशासन, शक्ति। बस ये दो चीजें बहुत याद रखने की जरूरत है। अब वीनस को देखेंगे भोग भाग्य, स्त्री, बंधु, मित्र, हर एक प्रकार की सुख सुविधा है। चंद्र की बात लेते ही कलाएं, यात्राएं, विदेशी गमन और दुर्व्यसन, कंगन रेखाओं। जिस तरह से अब इन इन ग्रहों के नाम लेते ही
जिस प्रकार एक दो इस प्रकार जो कारक के गुण दिखाई पड़ते हैं, कारक लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कारक होते हैं उसके, राहु का नाम लेते ही कष्ट और सुख, केतु का नाम लेते ही मोक्ष, बस सीधे आधा, क्योंकि जीवन का प्रधान उद्देश्य है केवल मोक्ष, इसलिए केतु। राहु बस राहु के लिए सुख भी होते हैं दुख भी होते हैं। एक बात कहें, शनिवत राहु, कुजवत केतु, यानी शनि के लिए जितने कारक हैं आप लोगों के ध्यान में है, आप लोगों को बताया भी गया, ये वे पूरे कारक राहु के लिए भी लागू होते हैं। कारण शनिवत राहु, और कुजवत, कुज के जितने भी लक्षण हैं ये केतु में भी हमें दिखाई पड़ती है, तो केतु में, तो देखिएगा राहु कष्ट सुख आतंक अपराध निडर अधिक होते हैं इसके यहां, जो इनके भी समतुल्यता समपात ऊंचाई ढलवा या उन्नत भाग निम्न भाग समतल, ये दोनों के लिए भी होते हैं। अगर ये समतल में रहा सुखी सुख, हर परिस्थिति में अनुकूलता, काफी सुखी रहते हैं। हाँ एक बात तो है कि राहु जातक, राहु के लिए कोई ग्रह नहीं है, जिस प्रकार अन्य के लिए ग्रह है, इनके लिए ग्रह कुछ नहीं, क्योंकि ये नक्षत्र प्रधान के होते हैं, छाया ग्रह कहलाते हैं। अगर ये बहुत उन्नत रहा या बहुत निम्न रहा, परिस्थितियां एकदम उलट जाती हैं, एकदम उलट जाती हैं, हर किसी विषय में आतंक आपत्तियां विपत्तियां रुकावट अपमान आदि का अनुभव, किन किन में, जिस किसी में भी हो सकते। उदाहरण के तौर पर राहु अगर निम्न हो, मुख्य रूप से उसकी मान्यता कम होती है, जो कोई भी काम करेंगे उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन कम रहता है, तो विद्या विद्या में आतंक आते रहते हैं, विवाह हां आतंक, घर के निर्माण करने में आतंक, गाड़ी मोड़ने में आतंक, हर किसी विषय में पहले पत्थर कोई फल नहीं आता, दो तीन पत्थरों को फेंकने की आवश्यकता है तब एक फल मिलेगा। किसी में जीतने के लिए या प्रतिफल प्राप्त करने में या सफल रहने में केवल पहला प्रयत्न सफल नहीं रहेगा, दूसरा या तीसरा ही प्रयत्न कुछ हद तक सफल रहेंगे। बहुत जिद्दी, इतने जिद्दी वाले होते हैं, उनके मन में जो आया सो करके रहेंगे। गुस्सा आ गया, बड़े बड़े लोगों की परवाह तक, बड़े बड़े लोगों की परवाह, हिमालय के उठने भी ऊंचे क्यों ना हो, उच्चात उच्च पदवी पद भी क्यों ना हो, उनकी परवाह न होते। ऐसे लोग कोर्ट के पक्षी कहलाते हैं, दूसरों पर दावाएं चलाते हैं और उन पर भी दावाएं होती हैं, तो यानी कोर्ट पक्षी कहलाते हैं, कोर्ट के परिंदे, अट्राफ कोर्ट के अट्राफ फिरते रहते हैं, अर्थात किसी न किसी कार्यवाही में फंसे रहते हैं, किसी न किसी दावे में फंसे रहते हैं, बस कोर्ट के अट्राफ फिरते हैं, पुलिस स्टेशन के अट्राफ भी फिर सकते हैं। विवाह शादी होने के बहुत निकट समय आ जाता, एक क्षण में ही बिगड़ जाता है, कारण एक एक व्यक्ति का एक एक हो सकता है। गृह निर्माण करेंगे या तो वास्तु दोष होगा
नहीं तो जो एडवांस दिया गया है वो वापस दिया जाएगा, या तो वो घर ठीक नहीं रहेगा, उनके दो दो रजिस्ट्रेशन हो गए, कोई ना कोई आपत्ति। ऐसे लोगों के लिए ऐसी आपत्ति आती है, गाड़ी लेते हैं गाड़ी में भी वैसी आपत्ति, किसी से टकराते हैं केस में फंस जाते हैं, गाड़ी उनके हाथ हमेशा हाथ में चले जाता और ये परेशान में रह जाते हैं। इस प्रकार हर एक प्रकार की। इतना ही नहीं, यदि इन लोगों को कठिनाइयां न हो तो मोलते हैं जाकर, जैसे दुकान में वस्तुओं को हम मोलते हैं, ये लोग कठिनाइयों को मोलते हैं। बहुत विचित्र की बात है, यानी नीचे जो पत्थर है उस पत्थर को निकालकर अपने सिर पर रखकर वे स्वयं परेशान रहते हैं, परेशानों का स्वभाव है। बस ये किसी बच्चे को लेते घर में बिठाते पढ़ाते सब कुछ करते सेवाएं करते प्यार से देखते पुत्रवत देखते, और वही बच्चा धोखा भी करता है, धोखा करना नहीं इसी पर ही हुकूमत करता है, उनकी पत्नी पर हुकूमत करता है, उस घर का बड़ा आप ही समझता है कभी कभी, इसको कहते हैं आपत्तियां होना। किसी महिला को बहन समझ कर ही जो लोग सहायता करते हैं और वो और सोचती है बुरा समझती है, बस बिगड़ गया। ऐसी चीजों को एक एक देख के उड़ा उड़ान बदे गए, कठिनाइयों को मोलते हैं, नीचे के पत्थर को निकालकर सिर पर रखते हैं और मेरे सिर पर गुरुतर भार है, ऐसी भावना होती है इनमें। और टेंशन के तो ये आदि हो जाते हैं, आदि आदत पड़ जाती है टेंशन के लिए। अगर किसी दिन इसको टेंशन नहीं है, समझिए सोई हुई पत्नी को, बिचारी सोई हुई है रात के 2 बजे है और उस व्यक्ति के लिए कोई टेंशन नहीं है, समझे सोई हुई पत्नी को बुलाकर 1 महीने के पहले की बात निकालकर, उस दिन मैं चाय बनाने के लिए मैंने कहा था ना, किस दिन फलाना दिन, हाँ शुगर भूल गए ना, हाँ ऐसे क्यों किया तुमने, अरे भाई ये वो कभी ना कभी पूछ सकते हैं ना, इतने रात में उठाकर पूछे कि क्या जरूरत है, आप जरा बिगड़ गई वो और कुछ कहना शुरू कर देती है, जब वो गुराठे मारते हुए आराम से सो जाते हैं, यानी बिना टेंशन के इन लोगों को नींद नहीं लगती। देखिए कष्ट उनके हुए सुख भी उनके होते हैं, कठिनाइयों को मोलते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, कोट के पक्षी कहलाते हैं, नाना प्रकार की हिंसा भी पहुंचाते हैं, कभी कभी इनको शेफ्स भी कहा जाता है, गुनगुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। बस ये होता है राहु का स्वभाव, स्वभाव माने नक्षत्र उनके जो जातक होते हैं, हर किसी को नहीं, जो समतल होता है जिनका समापात होता है अन्य ग्रहों के समान लगभग मिलता जुलता है, तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, काफी ऊंचे पड़ते हैं, साहसी होते हैं, काम करते हैं तो पूर्ण विश्वास से करते हैं, फिर कोई अंगुली उठाकर गलती नहीं दिखाते, बहुत सारे विषयों में इनका ज्ञान रहता है, घर में भी जीतता है बाहर भी जीतता है, जीत इनका स्वभाव है। फिर भी अगर ढलवा हो नीच हो समुन्नत हो बहुत उन्नत हो पहाड़ जैसा हो, कठिनाइयों को चाह चाह कर मोल कर स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी रखते हैं, न स्वयं खाते हैं न दूसरों को खाने देते हैं, न स्वयं सोते हैं न दूसरों को सोने देते, बस अपने अपने आप तपना, अपने आप तपना दूसरों को तपाना, स्वयं दुखी होना दूसरों को दुखी करना, कोई ना कोई झगड़ा चलता ही रहता, बहुत उन्नत हो या बहुत नीच हो यानी ढलवा हो अर्थात खाई जैसे दिखाई पड़े, तो सबसे बड़ी बात अगर खाई जैसी हो तो विश्वास कीजिए बिल्कुल रिकॉग्नाइज रहता नहीं, जितना भी काम करे बेचारा बदनामी हो जाता, विश्वास के साथ भी करेगा अच्छी तौर से भी करेगा तो भी क्या नाम मिलेगा, बेकार कर दिया बिगाड़ दिया बोलती है,
तो ऐसे स्वभाव वाले होते हैं, इस प्रकार की योग्यता है। खैर इसको भी योग्यता क्या कहेंगे, क्या इनके लिए और तो वही योग्यता है, ऐसी योग्यता। अनावश्यक खर्चा बहुत करते हैं जे जो योग्य नहीं है, अपात्र दान करते हैं, बहुत बुरी आदतें होती हैं ऐसे ही लोग। ऐसे लोग माने जिनका बहुत पहाड़ जैसा ऊंचा है या ढलवान जिनका है, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, जो अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए वैसी आदतें भी होती है। महिलाओं के प्रति इन लोगों की दृष्टि अच्छी और सच्ची नहीं होती। और इनका केतु का एक बार देखिए, उनका एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष से संबंधित सभी गुण इनमें रहते। जप करना, जप क्या होता है भगवान का जप अर्थ, जन्म राहित्य जप, पाप राहित्य प, जन्म के लिए पहला अक्षर जा है, पाप के लिए पहला अक्षर है प, जप, यही है जप। जप का अर्थ कुछ नहीं होता।